नमस्कार, एचआरएम के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम एम्पावरमेंट की बात करेंगे एचआरएम के लेक्चर में। और ये जो लेक्चर है वो एमकॉम सेमेस्टर 4 जो ओल्ड सिलेबस है उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जबकि एचआरएम पीजी सेमेस्टर 2 में भी है, वो बच्चे भी इस लेक्चर का फ़ायदा उठा सकते हैं। सवाल ये है कि एम्पावरमेंट इन वर्क सेटिंग इन्वॉल्व्स गिविंग एम्प्लॉयज द मीन्स एबिलिटी एंड अथॉरिटी टू डू समथिंग। चार बातें हैं। सवाल ये है कि एम्पावरमेंट कैसे होगा, तो आप एम्प्लॉय को मीन्स संसाधन प्रदान करें, रिसोर्सेज प्रदान करें, इसके अलावा एबिलिटी, यदि वो किसी काम करने में योग्य नहीं है तो उनको स्किल्स प्रोवाइड करें, इसके अलावा अथॉरिटी, किसी भी काम को करने के लिए उन अथॉरिटी प्रदान करें। यही सारी चीज़ें उपलब्ध होने के बाद एक वर्क सेटिंग में एम्पावरमेंट की प्राप्ति होती है, और एम्पावरमेंट प्रोसेस करने के लिए इन तीन चीज़ों का करना अनिवार्य है, मीन्स एबिलिटी अथॉरिटी टू डू समथिंग। अब सवाल है कि एम्पावरमेंट की क्या प्रॉपर डेफिनेशन है, तो न्यू स्टॉम एंड डेविस के अनुसार एम्पावरमेंट इज एनी प्रोसेस डेट प्रोवाइड्स ग्रेटर ऑटोनमी, स्वतंत्रता, अधिक स्वतंत्रता प्रदान की जाए थ्रू शेयरिंग ऑफ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। सवाल ये है कि एम्प्लॉय को अधिक स्वतंत्रता हम कैसे प्रदान करें, ग्रेटर ऑटोनॉमी कैसे प्रदान करें, तो जवाब है कि शेयरिंग ऑफ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। यदि किसी काम को करने के लिए कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए और वो एम्प्लॉय को मिल जाए, उपलब्ध हो जाए, तो वो काम को बेहतर तरीके से कर सकता है, अच्छा जॉब परफॉर्म कर सकता है। तो अकॉर्डिंग टू न्यू स्टॉम एंड डेविस, एम्पावरमेंट इज एनी प्रोसेस डेट प्रोवाइड्स अ ग्रेटर ऑटोनॉमी थ्रू द शेयरिंग ऑफ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन एंड प्रोविजन ऑफ कंट्रोल ओवर फैक्टर्स अफेक्टिंग द जॉब परफॉर्मेंस। अब आगे बात करते हैं वेटन एंड कैमरन के अनुसार, टू एम्पावर मीन्स टू इनेबल, टू हेल्प पीपल डेवलप अ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस, टू हेल्प पीपल ओवरकम फीलिंग्स ऑफ हेल्पलेसनेस, टू री एनर्जाइज पीपल टू टेक एक्शन एंड टू मोबिलाइज इंट्रेंसिक मोटिवेशन टू अकम्प्लिश अ टास्क। कहने का मतलब ये है कि एम्पावरमेंट जो है वो एक तरह से सेल्फ कॉन्फिडेंस प्रदान करता है किसी भी काम को बेहतर करने के लिए। कोई भी काम को करने के लिए यदि हम ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, और कॉन्फिडेंट किन किन बातों पर निर्भर करता है कि आप उस काम को करने में सक्षम है या नहीं है, आपके पास अथॉरिटी है या नहीं है, रिसोर्सेज है या नहीं है, आपको कोई मदद करने के लिए है या नहीं है, तो इन सारे फैक्टर्स से हमें एक कॉन्फिडेंस मिलता है और काम को बेहतर तरीके से कर सकते हैं, मोटिवेशन होकर के, अंदर से मोटिवेटेड होकर हम कर सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि एम्पावरमेंट एक तरह से सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। तो वेटन कैमरन की जो डेफिनेशन है उसमें इस कीवर्ड पर फोकस किया गया है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब ये देखिए पिक्चर कि एक पहले पर्सन जिसको एम्पावरमेंट नहीं दिया गया, वो लो कॉन्फिडेंट है, वो काम को ऐसा लगता है कि वो नहीं कर पाएगा, बट एम्पावरमेंट जब प्रोवाइड किया गया उसे, तो वो अब लगता है कि वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट है और काम को बेहतर ढंग से कर सकता है। एम्पावरमेंट से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अब सवाल है कि एम्प्लॉय एम्पावरमेंट एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से आए तो क्या लिखना चाहिए। पहले हम एम्पावरमेंट को डिफाइन करेंगे, उसके बाद एम्प्लॉय एम्पावरमेंट को डिफाइन करेंगे। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट इज गिविंग एम्प्लॉय अ सर्टेन डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग देयर स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशनल टास्क। मान लिया जाए कि किसी भी संस्था में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी काम को करना है, तो उस काम को करने के लिए किसी एम्प्लॉय को उसमें जो भी निर्णय लेना होगा, उसके लिए एम्प्लॉय को क्या करना पड़ेगा, उनको एक बेहद एक अच्छा वातावरण देना पड़ेगा, उनको स्वतंत्रता देनी पड़ेगी, उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ेगी, और ताकि वो बेहतर तरीके से डिसीजन ले पाए और काम को कर पाए। ऐसा यदि होता है तो ये एम्प्लॉय एम्पावरमेंट की स्थिति है। व्हाट इज एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, एक और डेफिनेशन ट्राई करते हैं। अ मैनेजमेंट प्रैक्टिस ऑफ शेयरिंग इन्फॉर्मेशन रिवॉर्ड्स एंड पावर विद एम्प्लॉय सो दैट दे कैन टेक इनिशिएटिव, यानी कि सबसे पहला कदम, एंड मेक डिसीजंस टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड इम्प्रूव सर्विस। यानी कि एम्प्लॉय जो है इसमें एक पहला कदम लेता है कि किसी भी समस्या को समाधान कर पाए और वो बेहतर सर्विस प्रदान कर पाए। इसके अलावा हम बात करते हैं कि एम्प्लॉय एम्पावरमेंट और एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट और एम्प्लॉय एम्पावरमेंट में क्या डिफरेंस है। एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट क्रिएटिंग एन एनवायरमेंट फॉर द एम्प्लॉय टू इन्वॉल्व इन एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड मेकिंग एन इम्पैक्ट टूवर्ड्स द डिसीजन मेड ऑन बिहाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन।
इट मीन्स इम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट में कोई भी काम कर रहे तो उसमें इन्वॉल्व कर देना, बट जरूरी नहीं है कि हम उस हमें उन्हें उसमें बेहतर कॉन्फिडेंस आए, हम काम को बेहतर कर पाए। हाँ, ये बात जरूरी है कि हम किसी काम में इन्वॉल्व होते हैं तो अच्छा बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं, बट एम्प्लॉय एम्पावरमेंट उससे डिफरेंट है। ये एक ऐसा प्रोसेस है, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ अलाउइंग द एम्प्लॉय टू मेक सजेशंस और ओपिनियंस ऑन इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ करंट एक्टिविटीज एंड अबाउट द ओवरऑल प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कहने का मतलब ये हुआ कि एम्प्लॉय एम्पावरमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत एम्प्लॉय इन्वॉल्व ही नहीं होता बल्कि इन्वॉल्व होकर के वो सजेशंस देता है, ओपिनियंस देता है, ताकि एफिशिएंसी जो भी कुशलता है वो बढ़ सके और जो वर्तमान में जो भी क्रियाएं कर रहा है वो बढ़ सके और ओवरऑल देखें तो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी उत्पादकता में वृद्धि हो पाए। तो एक तरह से देखा जाए तो एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट और एम्प्लॉय एम्पावरमेंट में बेहतर, जो कि एम्प्लॉय एम्पावरमेंट एक टर्म है और इसे हमें एचआर मैनेजर को इसे इसका प्रयोग करना चाहिए। अब एम्पावरमेंट के लिए क्या करना चाहिए? एम्पावर एम्प्लॉय को हमें एबिलिटी प्रोवाइड करना चाहिए, पावर देना चाहिए, उनके परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए स्किल्स प्रोवाइड करना चाहिए, इनेबल ताकि वो किसी काम को कर सके और इंगेज भी कर सके। तो एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट में क्या था, इंगेजमेंट की बात हो रही थी, बट यहाँ पर एम्प्लॉय एम्पावरमेंट के लिए फोर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। अब सवाल है कि क्या क्या कंडीशंस है जिससे कि एम्पावरमेंट हो सकता है। तो एक मॉडल हमने लिया है जेएस डॉब्स के अकॉर्डिंग, जिसमें कहा गया है कि चार आवश्यक शर्तें हैं जिससे कि एम्पावरमेंट हासिल किया जा सकता है। पहला, वर्कर्स का पार्टिसिपेशन होना जरूरी है और इसके अलावा उनको प्रॉपर ट्रेनिंग भी दी जाए ताकि वो अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट कर सके और किसी कार्य को संपादन कर सके। इसके बाद है इनोवेशन, नव प्रवर्तन, यानी कि मैनेजमेंट को ये चाहिए कि वो एम्प्लॉय को हमेशा मोटिवेट करे कि वो नए नए आइडियाज़ को लेकर के आए और साथ ही साथ वो निर्णय लेने में मदद करे, एक नए तरीके को विकसित करे ताकि वो किसी काम को अच्छे से कर सके। इन्फॉर्मेशन, अब सवाल है कि किसी भी काम को करने के लिए बिना इन्फॉर्मेशन का तो हम कर नहीं सकते, यदि हमें टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन मिले तो किसी भी काम को हम अच्छे से कर सकते हैं। इसलिए एम्प्लॉय को जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है, रिक्विजिट इन्फॉर्मेशन है, वो उसे प्रदान किया जाए और ताकि उस काम को बेहतर ढंग से कर सके। और सबसे जो लास्ट और अहम चीज़ है वो ये है कि अकाउंटेबिलिटी भी प्रदान करनी जरूरी है, यानी कि एम्प्लॉय को उस काम को करने के लिए एक रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल होना भी बहुत ज़रूरी है। जवाबदेही जब तक नहीं होगी तब तक एम्पावरमेंट का सक्सेस हम नहीं माप सकते। अब सवाल यह कि एम्प्लॉई एम्पावरमेंट कैसे हासिल कर सकते हैं। तो ये एक स्टेप हमने सिक्वेंशियल स्टेप्स लिया है। सबसे पहले आप ये आइडेंटिफाई कीजिए कि एम्पावरमेंट जरूरी है या नहीं है, आइडेंटिफाई रीजंस फॉर एम्पावरमेंट। उसके बाद जो सीनियर मैनेजमेंट है, जो टॉप लेवल के मैनेजमेंट हैं, उनके बिहेवियर में, एटीट्यूड में परिवर्तन होना चाहिए कि एम्पावरमेंट वो दे या ना दे। इसके बाद डिटरमाइन करना चाहिए कि एम्पावरमेंट देने पर एम्प्लॉय के डिसीजन पर क्या फ़र्क पड़ सकता है। इसके बाद एक टीम का गठन किया जाए और उसके बाद जो भी इन्फॉर्मेशन है शेयर किया जाए, और इसके लिए एक राइट एम्प्लॉय को, ऐसा नहीं कि हम सबको इन्फॉर्मेशन शेयर कर देंगे, सबको सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड कर देंगे, एक सेलेक्टेड जो पीपल है, ग्रुप ऑफ पीपल, जो राइट पीपल है, उनको ये प्रदान किया जाए। उसके बाद ये कोई ट्रेनिंग की जरूरत है ट्रेनिंग दी जाए और फिर उनसे क्या अपेक्षा की जाती है, क्या एक्सपेक्टेशन है, इसके बारे में बताया जाए। ये एक मॉडल है जिसमें कि ये बताया गया है कि कैसे हम लोगों को एम्पावर कर सकते हैं। दिस मॉडल इज अडेप्टेड फ्रॉम जेन स्मिथ मॉडल एम्पावरिंग पीपल। तो इसमें एक्स एक्सिस पर ऑर्गेनाइजेशन बेनिफिट है और वाई एक्सिस पर डिग्री ऑफ एम्पावरमेंट एंड लीडरशिप है। अब जरा देखें इनकरेजिंग में क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन बेनिफिट कम है, डिग्री ऑफ लीडरशिप भी कम है, तो इसमें इनकरेजिंग में होता क्या, एम्प्लॉय टू प्ले अ मोर एक्टिव रोल इन देयर वर्क, उसे बेहतर हम आए तो इन्वॉल्व। इन्वॉल्विंग में क्या है, एम्प्लॉयज इन टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर इम्प्रूविंग द थिंग्स दैट थिंग्स आर डन। तो इट मीन्स इसमें देखिए आप ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट उससे बेहतर है, ज़्यादा है, एक्स एक्सिस पर देखिए ज़्यादा है और वाई एक्सिस पर देखिए कि यहाँ पर डिग्री ऑफ लीडरशिप भी ज़्यादा मांगता है, एम्पावरमेंट भी ज़्यादा होना चाहिए। बट इनेबलिंग में देखिए यदि हाइएस्ट बेनिफिट है, हाइएस्ट डिग्री ऑफ लीडरशिप है, तो इनेबलिंग एम्प्लॉय टू मेक मोर बिगर डिसीजन विदाउट हैविंग
टू रेफर टू समवन मोर सीनियर। जैसे मान लीजिए कि मैं कॉमर्स डिपार्टमेंट वर्क करता हूँ और हमारे HOD ने एम्पावरमेंट दिया हुआ है, तो मैं अपने अनुसार टेस्ट ले सकता हूँ क्लास में, लेकिन वही एक ऑर्डर के थ्रू हो और उनके टाइम के अकॉर्डिंग हो, तो मैं कहूँगा कि एम्प्लॉय लेस एम्पावर्ड है तो उतनी एफिशिएंसी नहीं बढ़ेगी। तो किसी भी, सिर्फ एग्जाम की बात नहीं है, इंटरनल एग्जाम की बात नहीं है, कोई अन्य कामों में भी ये आपको जो अथॉरिटी है, जो सीनियर अथॉरिटी है, ये काम में स्वतंत्रता देता है और अपेक्षा करता है कि इस काम को हो जाना चाहिए और उसके लिए आपके पास एबिलिटी है, तो निश्चित रूप से एम्प्लॉय बेहतर परफॉर्मेंस करता है और एम्प्लॉय एम्पावरमेंट के थ्रू जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस में निस्संदेह वृद्धि होती है। बेनिफिट्स की बात करें तो ये मैं शुरू में भी बात किया था कि कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं, यानी कि जो बेनिफिट्स ऑफ एम्पावरमेंट है वो एम्प्लॉय के लिए भी और एम्प्लॉयर के लिए भी है। सबसे पहला बेनिफिट है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस में वृद्धि करता है, दूसरा एक मोटिवेशन भी मिलता है एम्प्लॉय को ताकि वो काम को कर सके। इसके अलावा कोई भी हम काम को जल्दी कर सकते हैं, क्विक एक्शन ले सकते हैं। इसके अलावा हम अपने पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आपको एम्पावरमेंट दी जाती है तो उसी समय क्रिएटिविटी भी ज़्यादा होती है और इनोवेशंस भी ज़्यादा होता है। अब हम बात करें कि ऑर्गेनाइजेशन की क्या अपनी बेनिफिट हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पहला बेनिफिट है कि जो भी संसाधन है उनका पूर्णतम प्रयोग होता है और एम्प्लॉय के द्वारा होता है। ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस में वृद्धि होती है और जब उनके परफॉर्मेंस में वृद्धि होगी तो निस्संदेह जो है प्रॉफिट में भी वृद्धि होगी। इसके अलावा एक जो एक लॉयल एम्प्लॉय की जो टीम है वो उसका एक निर्माण होता है और जो एम्प्लॉय है वो संस्था के प्रति ज़्यादा वफादार होता है। अब सवाल है कि क्या एम्पावरमेंट हमेशा कर सकते हैं, क्या कोई इसकी बाधाएँ हैं? तो इनमें कुछ बाधाएँ भी हैं, यदि हम इन बाधाओं को दूर कर दें तो एम्प्लॉय एम्पावरमेंट बिल्कुल चमत्कार कर सकता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। सबसे पहली बात यह है कि हर ऑर्गेनाइजेशन की और हर मैनेजमेंट की अपनी फिलॉसफी होती है और उनकी फिलॉसफी यदि अथॉरिटेरियन होगा तो मेरे ख्याल से एम्पावरमेंट सक्सेस नहीं हो पाएगा। यानी कि इस केस में क्या करना चाहिए, जो टॉप अथॉरिटी है अपने डिसीजन मेकिंग को डिसेंट्रलाइज करें और अधिक से अधिक एम्प्लॉय को इन्वॉल्व करें। रिजिड कंट्रोल सिस्टम होने की वजह से एम्पावरमेंट सफल नहीं हो पाता है और इसके लिए ज़रूरी है कि कंट्रोल जो भी सिस्टम है वो एक मोनोटोनियस ना हो, एक फ्लेक्सिबल हो और लीडरशिप क्वालिटी अच्छी हो। अच्छी लीडरशिप क्वालिटी एम्पावरमेंट को बढ़ाता है, जबकि लीडरशिप क्वालिटी अच्छी ना हो तो एम्पावरमेंट में बाधाएं पहुंचती हैं। इसके अलावा हम बात करें कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की, तो यदि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी यदि अच्छे से नहीं होगा तो मेरे ख्याल से एम्पावरमेंट नहीं हो सकता है। और जब डेलीगेशन ना हो तो जो एम्प्लॉई है वो बेहतर ढंग से किसी भी काम को नहीं कर पाएंगे और काम करने में गलतियां करेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि किसी भी काम को अच्छे तरीके से संभालित करने के लिए जो अथॉरिटी है वो डेलीगेशन करें अब काम को। अब सवाल है कि एम्पावरमेंट के लिए क्या क्या कार्यक्रम कर सकते हैं, तो सबसे पहले जॉब इनरिचमेंट करना पड़ेगा, यानी कि जॉब इनरिचमेंट में जो है जॉब की स्टेटस में वृद्धि होती है, साथ ही साथ कंपनसेशन में वृद्धि होती है, ज़्यादा रोल होता है, बिगर रोल्स मिलते हैं और अच्छे रोल मिलते हैं। इसके अलावा सेल्फ मैनेज टीम, जो ऐसे टीम जो खुद ही यह निर्णय ले सके कोई भी, उनको हम तैयार करते हैं। इसके अलावा पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, यानी कि वो अधिक से अधिक जो एम्प्लॉई है वो किसी भी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सके, अधिक से अधिक इन्वॉल्व कर सके, तो हम एम्पावरमेंट हासिल कर सकते हैं। उसमें एक पहला है MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, जिसमें कि गोल सेट करते हैं, उसे हासिल करने की कोशिश करते हैं और जब गोल की प्राप्ति होती है तो दोबारा से गोल्स, हायर गोल सेटअप करते हैं। इसके अलावा क्वालिटी सर्कल्स है, यानी कि जो एम्प्लॉय का सर्कल्स है, कुछ ऐसे एम्प्लॉय का सर्कल्स है जो ऑर्गेनाइजेशन के क्वालिटी को बढ़ा सके, उसमें सर्विस क्वालिटी को बढ़ा सके, ऐसे लोगों के ग्रुप को हम क्वालिटी सर्कल्स कहते हैं। इसके अलावा फ्लेक्सिबल वर्क शेड्यूल होना चाहिए, एकदम रिजिड नहीं होना चाहिए। फ्लेक्सिबल वर्क शेड्यूल होने से क्या है, एम्प्लॉई अपना 100% दे पाता है। टेलीकम्यूटिंग, यानी कि वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम द प्लेस अदर देन ऑफिस, तो ऐसा होने पर क्या है, एम्प्लॉई जब उनको स्वतंत्रता मिलेगी काम करने के लिए तो अपना 100% अपनी क्रिएटिविटी को दिखा सकते हैं और एम्पावरमेंट हासिल करके ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के लिए आगे काम कर सकते हैं।
ये स्लाइड मुख्य रूप से एक क्वालिटी सर्कल समझाने के लिए, जिसमें 6 से 12 लोगों का ग्रुप होता है किसी काम को करने के लिए, मेनली ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए होता है। और ये रेगुलरली मिलते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। लगभग देखा जाए तो 4 घंटे प्रति महीने ये लगभग इनका आपस में मीटिंग होता है और ये क्वालिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। और इसके लिए क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए जो भी ट्रेनिंग देना हो या जो भी मत देना हो, उसके लिए एक मददगार के रूप में साबित होते हैं। अब सवाल है कि एम्पावरमेंट करने के लिए मैनेजर को क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो एम्पावरमेंट जरूरी है, उसका क्या महत्व है इसके बारे में बताना चाहिए। उसके बाद क्या है कि अथॉरिटी को जो है एक जो भी टॉप अथॉरिटी है उसे एक, एक, एक कौन सा जिम्मेवारी को देना है एम्प्लॉय के ऊपर, इसकी पहले तय कर लेना चाहिए। उसके बाद कौन सा इन्फॉर्मेशन शेयर करना है एम्प्लॉय के साथ, ये करना चाहिए, क्योंकि सारे इन्फॉर्मेशन हम शेयर नहीं कर सकते हर एम्प्लॉय के साथ। इसके अलावा एक हम ऐसा टीम डेवलप कर ले जो सेल्फ जो मैनेज टीम हो और वो किसी भी काम को करने के लिए सक्षम हो। इसके अलावा कोई भी यदि सबॉर्डिनेट मिस्टेक करते हैं डेलीगेशन ऑफ टास्क करने में, तो जो गलती होती है उस गलती को टॉलरेट करने के लिए टॉप लेवल के पास ये कैपेसिटी होना चाहिए। इसके अलावा रिप्लेस द बॉस रोल विद दैट ऑफ कलीग। इट मीन्स जो एम्प्लॉय है एक तरह से हमेशा बॉस को फॉलो ना करें, बल्कि एक एक बॉस की भूमिका के रूप में जो कि उस कार्य को संपादित कर सकता है। और इसी के साथ ये एम्पावरमेंट लेक्चर टॉपिक पर ये हमारा लेक्चर समाप्त होता है। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि ये इस लेक्चर में हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों का कॉम्बिनेशन रखा ताकि अधिक से अधिक बच्चे लाभान्वित हो सके। धन्यवाद। आज हम यही विदा लेते हैं, फिर हम अगले लेक्चर में मिलेंगे।